हेलो प्यारे बच्चों तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नाइन द स्लेज ड्रीम बाय एच डब्ल्यू लॉन्ग एंड इट इज़ फ्रॉम क्लास एट इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक सो दिस इज़ अ पोएम नरेटिव पोएट्री सो लेट्स स्टार्ट बच्चों वी विल रीड अ पोएम अबाउट अ डाइंग स्लेव एंड इज ड्रीम्स जैसे कि टाइटल से भी आप समझ सकते हैं बच्चों द स्लेज ड्रीम यानी कि एक गुलाम एक मजदूर जो स्लेव है उसका एक सपना क्या है तो हम शुरू करते हैं बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द बैकग्राउंड हैव यू एवर हर्ड अबाउट स्लेवरी बच्चों क्या आपने दास प्रथा के बारे में सुना है इट वॉज़ अ सिस्टम बाई विच पीपल वर ओन बाय अदर पीपल एज स्लेवस ये एक ऐसा सिस्टम होता है ऐसी प्रथा होती है जिसमें जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के अंडर में रह के काम करते हैं स्लेव वॉज कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ हिज और हर ऑनर और जो स्लेव है उसको ऑनर की प्रॉपर्टी समझा जाता है एंड हैड टू वर्क लॉफ लॉन्ग आर्स फॉर दैट पर्सन फॉर फ्री और उस व्यक्ति के लिए जिसका वो स्लेव होता है अपने मालिक के लिए उसे लंबे घंटों तक बहुत काम करना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है और वो भी फ्री में डो यू थिंक स्लेवरी इज़ अ ब्लेमिश ऑन ह्यूमैनिटी तो बच्चों आपको क्या लगता है कि जो गुलामी की प्रथा है ये इंसानियत पे एक धब्बा है एक स्पोर्ट है ब्लैमिश मतलब धब्बा दिस पोएम डिस्क्राइब्स द पिटिएबल सिचुएशन ऑफ अ स्लेव लाइंग ऑन द ग्राउंड इन द यू एस एंड ड्रीमिंग ऑफ इस नेटिव लैंड ये जो पोएम है बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये डिस्क्राइब करती है पिटिएबल सिचुएशन यानी कि दयनीय जो दशा है एक स्लेव की जो ग्राउंड में जो खेत में लेटा हुआ है यूएसए के खेत में और ड्रीम कर रहा है अपने नेटिव लैंड के बारे में जो उसका नेटिव लैंड अफ्रीका में है तो आइए पोएम में पढ़ते हैं और समझते हैं द फर्स्ट एंजा बिसाइड द अन गैदर्ड राइस ले यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पर जो स्लेव है जो वो उसके लिए बोला गया है कि बिसाइड द अनगैदर्ड राइस हिले अनगैदर्ड मतलब बिखरे हुए अनकलेक्टेड जो अनकलेक्टेड राइस हैं जो इसमें खेत में बिखरे पड़े हैं जो इकट्ठे नहीं किए गए उसी के पास ये लेटा हुआ है हीज़ सिकल इन हिज हैंड सिकल होता है बच्चों आ टूल यूज टू कट ग्रास और क्रॉप एक दराती होती है जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इसमें उनके हाथ में एक दराती है स्लेव के हाथ में हिज ब्रेस्ट वॉजबेयर और उनके हिज मैटेड है और मैटेड होता है बच्चों टैंगल्ड यानी कि उलझे हुए जो स्लेव है उसके बाल जो है उलझे हुए हैं और उनके जो ब्रेस्ट है वह बेयर है कोई कपड़ा नहीं है उनके छाती पर वज बर इड इन दैन और वो धरती में मिट्टी में बरी हुआ है यानी कि लेटा हुआ है और मिट्टी उसके ऊपर ढकी अगेन इन द मिस्ट एंड शेड ऑफ़ स्लीप शेड ऑफ़ स्लीप होता है बच्चों नींद की छाया यानी कि वो नींद में है अगेन इन द मिस्ट मिस्ट होता है धुंध या कोहरा ही सो हिज नेटिव लैंड अब उनकी जो कंडीशन है यहाँ पर फिजिकल कंडीशन डिस्क्राइब की हुई है एक स्लेव की जो जिसको लाया गया है यू के खेत में वो काम कर रहा है और वो नेटिव लैंड कहाँ है उसके अफ्रीका है और वो एक थक गया है वो इतना ज़्यादा थक गया है कि वो उसके हाथ में दराती है और अनगैदर्ड राइस हैं उसके आसपास और वो उनको काम करते करते ही वहीं पर वो गिर गया है और जैसे उसको हल्की सी नींद लगती है तो उसे अपना नेटिव लैंड याद आता है नेटिव लैंड होता है बच्चों कंट्री इन विच वन इज बॉर्न अब जिस देश में वो पैदा होते हैं नाउ सेकेंड स्टेंजर वाइट थ्रू द लैंडस्केप ऑफ हिज ड्रीम्स अब जैसे वो सपनों में जब सपना देखना शुरू किया तो सपनों का जो परिदृश्य है द लॉर्डली नाइजर फ्लोट नाइजर है और रिवर इन अफ्रीका अफ्रीका में एक बहने वाली नदी का नाम है नाइजर लॉर्डली मीन्स गर्वित तो वो बहुत जो गर्वित नाइज़र है वो फ्लो कर रही है बह रही है बीनी द पाम ट्रीज़ ऑन द प्लेन प्लेन है समतल और जो पाम ट्रीज़ के नीचे जो है समतल में वो नदी जो है बहुत गर्वित नदी है वो बह रही है वंस अ किंग हिस्ट्रोड अब वो अपने आप को सपने में एक राजा की तरह मान रहा है एंड हर द टिंकलिंग कारवांस कारवास होता है बच्चों काफिला टिंकलिंग मीन्स खनखनाहट और उनको सुनाई देता है कि ये कारवे की खनखनाहट है डिसेंट द माउंट माउंटेन रोड जो कि माउंटेन रोड की, की तरफ से आ रहा है कारवा तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पर कॉलम uh, में दिया गया है लुकिंग बैक इन द अर्ली सिक्सटीन हंड्रेड द फर्स्ट अफ्रीकन्स वेकन टू अमेरिका सर्वेंट्स पहले क्या होता था जो अफ्रीका के कुछ लोगों को वहाँ ले जाया जाता था 1600 सदी में सर्वेंट के रूप में सोन आफ्टर द अटलांटिक स्लेव ट्रेड बिगन और उसके बाद से अटलांटिक स्लेव ट्रेड बिगन हो गया शुरुआत हो गई वहाँ से इट वॉज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस ये बहुत ही लाभ का बिजनेस होता था ब्रिटिश एंड कॉलोनियल शिप्स ट्रैवल टू अफ्रीका और जो ब्रिटिश और कॉलोनियल जो शिप्स थी वो अफ्रीका की तरफ ट्रैवल करते थे और उनको कैप्चर्ड करते थे पीपल को एंड सोल्ड दैम टू पीपल इन दर कॉलोनीज और अपने कॉलोनीज़ में उन लोगों को वो बेच देते थे और वो उनको स्लेव बना लेते थे ठीक है बच्चों इसके नीचे ही फैक्ट फाइल है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर

नाओ द थर्ड स्टेंजा ही सो वंस मोर हीज डार्क आइट क्वीन अब जो पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा है कि वो अपने आप को सपने में देखता है तो उसे अपने जो फ्रीडम है जब वो पहले जब अफ्रीका में था तो अपनी फैमिली के साथ कितने जो उसने गोल्डन मोमेंट्स बिताई थी तो वो जीवन जो उसका आज़ादी का जीवन था जिसमें वो किसी का गुलाम नहीं था तो वो वहाँ पर क्या देखता है अभी सपने में ही सो वंस मोर हिज डार्क आइट क्वीन यहाँ पे डार्क आइट क्वीन वो अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर रेफर करते हैं अमंग हर चिल्ड्रन स्टैंड और जो उसकी वाइफ है वो अपने बच्चों के साथ खड़ी है दे क्लास्ट हिज नेक और जो बच्चे हैं वो उसे गले लगा रहे हैं दे किस हिज चीक्स उसके गाल पर किस कर रहे हैं दे हैल्थ हिम बाई the hand और उसका हाथ पकड़ रहे हैं उसे ये सपना बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें बहुत इमोशंस हैं अ टीयर बर्स्ट फ्रॉम द स्लीपर स्लिट्स अब वो ये सपना देखते देखते अब उनको इतना ज़्यादा इमोशंस हो गए कि उनके जो आँख से आंसू निकल गया और वो पलकों से बह गया एंड फेल इन टू द सैंड और वो रेत में जाके आंसू गिर गया और मिल गया और यहाँ पर ये भी कंसिडर किया गया ही प्रॉबेबली मे नॉट एबल टू मीट हिज फैमिली अब फाइनली स्लीप में वो है अब वो एक डाइंग कंडीशन में है तो उसको क्या लग रहा है कि ये सपना है कि उसका बस इतना ही सपना होता है स्लेव का कि वो आज़ादी पाले तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा हो सकता है अपनी फैमिली से ना मिल पाए नेक्स्ट पैरा एंड देन एट फ्यूरियस स्पीड ही रोड फ्यूरियस स्पीड ही रोड तो यहाँ पर घोड़े की सवारी उनको लग रही है फ्यूरियस ये यहाँ पर बहुत तीव्रता से बहुत क्रूध गति से वो आज़ादी यहाँ पर प्रतीत की गई है अलोंग द नाइजर्स बैंक उस नदी के किनारे किनारे वो अपनी घोड़े की सवारी कर रहे हैं इस ब्रिडल रेंस व गोल्डन चेन्स ब्रिडल रेंस है बच्चों लेदर स्ट्रैप्स अटैच टू अ हॉर्स बिट एंड यूज टू तो कंट्रोल द हॉर्स हॉर्स को काबू करने के लिए वहाँ पर लेदर की स्ट्रैप लगाई जाती हैं जिनको खींचने से घोड़े को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कैसी हैं गोल्डन चेन्स में लगी हुई यानी कि यहाँ पर एक काफ़ी उनको दिखाया गया है काफ़ी ऐशो आराम और उनका अमीरी दिखाई गई है कि वो घोड़े के जो ब्रिडल रेंस हैं उनको वो कैसे कंट्रोल करते हैं लगाम जो हैं और वो भी गोल्डन चेन से हैं एंड विद द मार्शल क्लैंक और जो मार्शल यहाँ पर है बच्चों रिलेटेड टू वॉर कि जैसे युद्ध छिड़ गया है और उसका युद्ध का शंख नाद हो गया है क्लैंक मीन्स बजना एट ईच लीप और जैसे वो घोड़े पे बैठे हैं लीप मींस छलांग और हर छलांग के साथ ही कुड फील हिज स्कैबर्ड ऑफ स्टील और जो स्टील की स्कैबर्ड है उनकी स्कैबर्ड है मयान जिसमें कि वो अपनी तलवार रखते हैं ही इमेजन हिम सेल्फ एज किंग और यहाँ पर अपनी वाइफ को उन्होंने क्वीन बताया है पिछले पैरा में तो अभी उनकी जो घोड़े पर वो सवारी कर रहे हैं नाइजर रिवर के साथ में तो उनको कैसा फील हो रहा है कि हर छलांग के साथ वो फील करते हैं कि स्टील की जो स्कैबर्ड है मयान है उसकी आवाज को वो फील करते हैं स्मिटिंग हिज स्टालियंस फ्लैंक स्मिटिंग है बच्चों हिटिंग किसी को हिट करना हीज टालियंस फ्लैंक स्टालियन है अ मेल हॉर्स यहाँ पर घोड़े के लिए बोला गया है मेल हॉर्स के लिए स्टालियंस फ्लैंक है फ्लैंक मीन्स द साइड ऑफ एन एनिमल बिटवीन द रिब्स एंड द हिप और रिब्स और हिप के बीच में जो है घोड़े का उसको फ्लैंक बोला गया है स्मिटिंग तो वो जो मेल हॉर्स का जो फ्लैंक है उस पर हिट करता हुआ वो वहाँ पे चल रहा है दौड़ रहा है और उसको राइड कर रहे हैं बिफोर हीम लाइक अ ब्लड रेड फ्लैग अब नेक्स्ट में क्या है कि उनके सामने जो ब्लड लाल रंग का ध्वज है द ब्राइट फ्लैमिंग ओज अब ब्राइट फ्लैमिंगोस जो पक्षी हैं उससे उसे कंपेयर किया गया है कि वो एक लाल ध्वज की तरह है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ही फॉलोड देयर फ्लाइट्स अब सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ उनकी उड़ानों को ही फॉलो करते थे फ्लैमिंगोस की यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि सुबह से लेकर रात तक क्या करते थे वो इतना फ्री थे इतनी आज़ादी थी उन्हें उस टाइम में कि वो फ्लैमेंगोज को फ्लू करते हुए फॉलो कर रहे हैं ओवर प्लेन्स वेयर द टैमरेड ग्रू और वो वहाँ भी सवारी कर रहे हैं जहाँ पे कि टैमरिन तामरें, टैमरिड होता है इमली अटवी दैट ग्रोज इन हॉट क्लाइमेट्स वहाँ जहाँ पर उगता है वहाँ तक प्लेन्स में वहाँ तक भी वो अपने घोड़े को ले जाते हैं टिल ही सॉ द रूव्स ऑफ कैपरे कैफरे हर्ट्स एंड द ओशन रोज टू व्यू और वह वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक उन्हें कैफरे हर्ट्स दिखाई देती हैं और ओशियन का उठता हुआ एक व्यू दिखाई देता है जहाँ तक समुद्र की भी सीमा उन्हें दिखाई देती है तो यहाँ पर बच्चों कैफरे जो है वो एक ट्राइब है अ नेम ऑफ अ पावरफुल ट्राइब लेटर दिस वर्ड बिकेम एन ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग वर्ड फॉर अ ब्लैक अफ्रीकन तो ये कैफरे हट एक ट्राइब है उसके हर्ट्स जब तक ना दिखें तब तक वहाँ तक वो सवारी करते यानी कि इस टेंजा में भी ये दिखाया गया बच्चों वो कितना ज़्यादा फ्री थे आज़ाद ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे नेक्स्ट पैरा में है अभी यहाँ सुबह से शाम तक तो वो फॉलो करते थे फ्लैमिंगोज को अब उसके बाद जब रात हो जाती है एट नाइट ही हर्ड द लॉइन रोर अब रात को वो आवाज़ सुनते हैं शेर के दहाड़ने की एंड द हाइना स्क्रीम और जो हाइना है उसके चीखने की आवाज़ वो सुनते हैं एंड द रिवर हॉर्स एज ही क्रॉस द रीड्स और जो रिवर हॉर्स है रिवर हॉर्स मीन्स यहाँ पर हिपोपोटोमस को बोला गया है वो जो पानी के अंदर वीड्स हैं वाटर में उनको रीड्स कहा गया है और वो उसको रीड्स को क्रश करते चल रहा है बिसाइड सम हिडन स्ट्रीम और हिडन स्ट्रीम जो है छुपी हुई जो स्ट्रीम्स हैं छोटे छोटे नदी हैं तो वो छुपी हुई हैं एंड इट पास लाइक अ ग्लोरियस रोल ऑफ ड्रम्स और इसमें जो ढोल नगाड़े हैं वो ग्लोरियस हैं एकदम और वो ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं थ्रू द ट्राइम ऑफ इस स्ट्रीम और जैसे वो सपने में एक विजय प्राप्त कर रहे हैं अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ द फॉरेस्ट विद देयर माइराइट टंग्स अब जो जंगल हैं जो वन हैं उनकी माइराइट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ तो बहुत बड़ी मात्रा में टंग्स टंग्स हेयर मीन्स नॉइज साउंड जो वहाँ से आवाज़ें आती हैं शाउटेड ऑफ लिबर्टी वो जंगल भी जो है आज़ादी मांग रहे हैं उनको भी आज़ादी चाहिए एंड द ब्लास्ट ऑफ डेजर्ट क्राइड अलाउड और जो मरुस्थल में जो ब्लास्ट है विस्फोटक है यानी कि मरुस्थल भी क्राइड अलाउड बहुत तेज से चीख कर बोल रहा है कि मुझे भी आज़ादी चाहिए विद द वॉइस ऑफ वाइल्ड एंड फ्री आज़ादी की आवाज़ी आवाज़ निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए दैट ही स्टार्टेड इन स्लीप एंड स्माइल्ड और स्टार्टेड मीन्स यहाँ पर चौंकना तो वो अपनी नींद में ही चौंक गए और फिर उन्होंने स्माइल किया यहाँ पर स्लेव की बात हो रही है एट तेर टेम्पस्ट ग्ली ग्ली मीन्स हैप्पीनेस तो टेम्प टेम्पेस्ट मीन्स फुल ऑफ वेरी इमोशनल वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस और खुशी में वो यहाँ पर स्माइल करते हैं यहाँ तक बच्चों अब उसकी दशा दिख दिखाई गई है कि स्लेव कैसे अपने पास टाइम को एकदम राजा के रूप में अपने आप को दिखाता है सोचता है वो सिर्फ एक स्लेव का एक सपना हो सकता है कि वो आज़ादी पाले तो वो अपनी आज़ादी का ही सपना देख सकता है अब लास्ट पैराम डिट नाट फील द ड्राइवर स्विप अब वो अपने सपने में इतना खो गए हैं और यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल बात बोली गई है कि जो स्लेव होते हैं उन्हें ड्राइवर्स की विप का भी जो चा विप मतलब होता है चाबुक तो चाबुक अगर वो मारते हैं तो वो भी फ़ील नहीं होता स्लेव को नोर द बर्निंग हीट ऑफ द डे और गर्मी झुलसती हुई धूप गर्मी दिन की वो भी फील नहीं होती फॉर डैथ हैड एलुमाइन द लैंड ऑफ स्लीप और जो मृत्यु अब यहाँ पर स्लेव को मृत्यु आ गई है उनके प्राण पखेरु हो गए हैं और उनकी इलुमाइंट मीन्स है लिटअप जलना तो लैंड ऑफ स्लीप उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है अब एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले अब जो है सिर्फ शरीर वहाँ पर है और आत्मा नहीं है वो मर चुका है ही वॉर्न आउट फेटर दैट द सॉल और जो उन्होंने बेड़ियाँ पहनी हुई थी फेटर मीन्स बच्चों बेड़ियाँ उन्होंने वो तोड़ दी हैं वो बेड़ियाँ उनके शरीर बंधा हुआ है लेकिन दैट द सॉल और जो आत्मा है वो उनकी बेड़ियाँ स्लेवरी की वो तोड़ चुकी हैं हेड है ब्रॉकन एंड थ्रोन अवे और वो बेड़ियों को तोड़ दिया है और फेंक दिया है तो बच्चों यहाँ पर एक स्लेव की व्यथा पूरी कविता में सुनाई गई है बहुत ही इमोशन पोएट्री है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोइम एंड थैंक यू फॉर